मेरा आपको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मधवाल आपका वेलकम करता हूं ट्रिस्का डिका क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपका बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगे, और किस उम्र में किस बच्चे के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाए कि उसे भविष्य के लिए एक उचित मार्गदर्शन मिल सके। हम देखते हैं कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा टॉप करे, टॉप न भी करे लेकिन उस लिस्ट में तो हो जो स्कूलों की टॉपर की लिस्ट है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या सारे बच्चे एक साथ टॉप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वो कम से कम आपके कहने को माने, आपकी बातों को समझें, जो संस्कार आप उनको देना चाहते हैं और जिस तरीके का आप उनको बनाना चाहते हैं, और वो कम से कम अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन में इतना अच्छा कर लें कि भविष्य में उनको कोई परेशानी ना आए। हर एक बच्चे के उम्र के साथ साथ उसके शारीरिक और मानसिक दोनों बदलाव होते हैं, तो किस उम्र में किस तरीके का उसके साथ व्यवहार किया जाए और उससे कौन सी चीज़ें उसके सामने डिस्कस की जाएँ, कौन सी नहीं की जाए, किन क्षेत्रों में उसकी मदद की जाए और किन क्षेत्रों में मदद नहीं की जाए, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में जो इस वीडियो का मेन पॉइंट है वो है एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। अभी एडगर डेल कौन थे? एडगर डेल एक यूएस के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे, और उन्होंने एक कोन ऑफ एक्सपीरियंस बनाया ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी, कि कौन सा इंसान किस तरीके की घटनाओं से, किस तरीके की ऑब्जर्वेशन से या किस तरीके के प्रैक्टिकल से किसी चीज़ को कितनी जल्दी समझता है, वो उसके दिमाग में कितनी देर तक रहती है और उसको ये सारी चीज़ें याद रखने का सही तरीका क्या है। कोन ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोन है जो कि हर एक पेरेंट्स को समझना चाहिए, और स्पेशली अपने बच्चों को पढ़ाते समय और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देते समय इस कोन को अगर ध्यान में रखा जाएगा तो ये 100% है कि आपका बच्चा लंबे समय तक किसी चीज़ को याद रख सकेगा। तो चलते हैं हम आज के वीडियो में। सबसे पहले मैं कुछ डूज और डोंट्स बताऊंगा जो आज के पेरेंट्स करते हैं और जो कि पेरेंट्स को करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, चाहे वो चाइल्डहुड में हैं या धीरे धीरे एडोलसेंस में जा रहे हैं, किस एज के हैं उस एज के अकॉर्डिंग। तो इसमें कुछ पॉइंट उन बच्चों के लिए हैं जो कि नासमझ होते हैं, जो सिर्फ अपने माँ बाप की बातों को न सब सुनते हैं ढंग से बल्कि अच्छे से समझते भी हैं, और कुछ बातें उनके लिए हैं जो कि अपने फ्रेंड सर्कल के संगत में आ चुके हैं और अब उनकी बातों पर भी ध्यान देना शुरू कर चुके हैं और अपने पेरेंट्स की बातों को बीच में इंटरप्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपको अपने बच्चे की मानसिक रूप से सहायता हमेशा करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र में हो। अगर बच्चा आपका फिजिकली ग्रोथ कर रहा है तो वो मेंटली भी ग्रोथ कर रहा है। अगर कुछ समय पहले उसको उस मानसिक सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी लेकिन आज उस मानसिक सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपने उसको ज़रूर देना है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे किसी काम करने में हो या समाज में होने वाली किसी भी घटना को लेके हो। तो अगर आप उसको मानसिक सपोर्ट देते रहेंगे, उसका आत्मविश्वास बढ़ाते रहेंगे तो वह अपने आने वाले हर्डल्स को पार करता रहेगा। पढ़ाई के लिए एक नियमित टाइम टेबल का होना निहायत ही ज़रूरी है। पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल नियत बना दीजिए जिसको टाइम मैनेजमेंट के नाम से भी तुम जान सकते हो। उसमें सिर्फ पढ़ाई का ही टाइम टेबल नहीं होगा बल्कि उसके खेलने का, उसके सोने का भी टाइम टेबल होगा। उसको पता होगा कि अगर मैं 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ रहा हूँ तो 4 बजे से 6 बजे तक मुझे खेलने के लिए मिलेगा, मुझे साइकिल चलाने के लिए मिलेगी। तो वो टाइम टेबल बच्चे की आदतों के और उसकी रुचि के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक और चीज़, बच्चों में आत्मविश्वास एक बहुत बड़ा पहलू होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, और आत्मविश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचा चुकी है। अगर उसका आत्मविश्वास, उसके विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी तो अपने किसी भी ड्रीम को या अपने रोल मॉडल की तरह अगर वो बनना चाहता है तो वो बहुत आसानी से बन सकता है, और वो तभी बन पाएगा जब आप उसका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। तो हमेशा बच्चे का आत्मविश्वास आला दर्जे का रखिए, हर चीज़ में उसकी बातों का सम्मान कीजिए। अगर उसकी कोई बात आपको ठीक नहीं लगती है तो उसको एकदम से टोकने के बजाय उसको धीरे धीरे उस चीज़ को उसके दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए।
एक पॉइंट जो बच्चों का एक आदत होती है उनको पॉइंट कलेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है, स्पेशली 10 साल से कम उम्र के बच्चे, चाइल्डहुड की मैं बात कर रहा हूँ, वो वीडियो गेम खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं तो उनको वहाँ पर लगता है कि मैं इस पॉइंट को कलेक्ट कर लूँ, मैं कितने ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे पॉइंट आप उनके लिए पढ़ाई में भी बना सकते हैं, ऐसे ही पॉइंट आप उनके लिए छोटे मोटे घर के कामकाजों में भी बना सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे वो पॉइंट कलेक्ट करने के लिए अपने तरीके से पढ़ेंगे, जो उनको आप जितना आपने सोचा है कि वो इतना लर्न करें वो उससे ज़्यादा आपको लर्न करके दिखाएंगे, क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा पॉइंट चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये पॉइंट एक लालच के तरीके से नहीं होने चाहिए, गलत डायरेक्शन में आपका ये पॉइंट वाला सिस्टम नहीं जाना चाहिए। आपको फिक्स कर देना है कि 100 पॉइंट और 150 पॉइंट हो जाने पर आप उसको एक गिफ्ट देने वाले हैं, और वो गिफ्ट उसके पढ़ाई लिखाई या इस तरीके का हो कि जो उसके अच्छे उसमें काम आने वाला हो, न कि कोई ऐसा मोबाइल या ऐसा कोई टॉय जो कि बच्चे के फ्यूचर के लिए ही खतरनाक हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपका बच्चा सोना पसंद करता है, खेलना पसंद करता है, तो उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको खेलने का मौका भी दें, उसको सोने का मौका भी दें, भरपूर सोने दें और खेलने भी दें। बच्चा अगर खेलेगा तो खेलने, अगर कोई बच्चा कंटिन्यू 2 घंटे पढ़ रहा है और कोई बच्चा 1 घंटे पढ़ रहा है और 1 घंटे खेल रहा है, तो जिसने 1 घंटा पढ़ा उसने भी उस 2 घंटे के बराबर ही पढ़ा है। अब सिर्फ आपने उसकी पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं देना, अगर कुछ आपको लगता है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा है तो आपने उस चीज़ पर भी फोकस करना है। कोई बच्चे डांस में बहुत अच्छा होते हैं, कोई गाने में बहुत अच्छा होते हैं, कोई घर के ऐसे काम, किसी तार टूट जाना उसको जोड़ना, लाइट जलाना, बल्ब ठीक करना, कुछ ऐसे काम में ठीक होते हैं जो इंजीनियरिंग लाइक वर्क्स होते हैं, तो आपने उन चीज़ों को ध्यान देना है, उसकी स्किल पर ध्यान देना है। हमारी जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है कि 6th के बाद स्किल्ड की भी क्लासेज चलेंगी, तो वो बहुत ही अच्छा होगा, जो कि विदेशों में अभी ये चलता है, और इसीलिए जो विकसित देश हैं उनकी पढ़ाई का स्तर हमारी पढ़ाई के स्तर से बहुत ज़्यादा अलग है। बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब भी आपका, अगर बच्चा बहुत छोटा है, LKG UKG क्लास 1st में जा रहा है, वहाँ कुछ भी स्कूल से पढ़ के आता है, मैम उसे पढ़ाती हैं, उसके सर जो उसको पढ़ाते हैं कि E4 एलिफेंट है या A4 एप्पल है, Z4 जैबरा है, तो वो जैबरा अगर आपके पास कोई टॉय है तो टॉय से दिखाइए, या किसी TV में उसको उसके साथ मैच करिए कि आपने जो आज पढ़ा था, जो M4 मंकी पढ़ा था, वो मंकी ये होते हैं, तो उसके दिमाग, उसने मंकी भी देखा है, उसने क्लास में मंकी भी पढ़ा है, लेकिन जब वो चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाता क्योंकि उसको नहीं पता है, तो जब उसको पेरेंट्स बताएंगे तभी वो समझ पाएगा। ध्यान रखें कि बीइंग ए पेरेंट्स, आप ही उसके पहले टीचर हैं, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ही बच्चे के पहले टीचर होते हैं, और बच्चा बहुत कुछ अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से ही सीखता है। उसके बाद मैं बात करूँगा ज़्यादा फोकस की बात। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इस पर्टिकुलर विषय में कमज़ोर है तो आपको उस विषय पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई मकान 4 पिलर पर खड़ा होता है तो 3 पिलर पे वो खड़ा नहीं हो सकता, 4th पिलर अगर छोटा रह गया तो उस 4th पिलर को हमको उन 4 पिलर के बराबर करना है, तो इसलिए उस पर्टिकुलर पिलर पे हमको फोकस करना है, पर इतना भी नहीं कि बाकी के पिलर छोटे हो जाए, मतलब कुछ टाइम एक्स्ट्रा उसको दिया जाए लेकिन इनको भी छोड़ना नहीं है, यानी सब कुछ बराबर एक साथ चलते रहना। ठीक है, अभी कुछ डॉन्स जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों की पिटाई किसी चीज़ का कभी समाधान नहीं है। 1-2 बार पीटने से फ़र्क पड़ेगा, 2-4 बार पीटने से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बच्चे उसके बाद ढीठ हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। हैबिचुअल होने के बाद आप मार लीजिए, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनको पता है यार 2 थप्पड़ खाऊंगा लेकिन कम से कम मैं खेल तो सकता हूँ। दूसरी बात कंपैरिजन की, हमारी एक आदत होती है, हम बच्चों का कंपैरिजन बहुत जल्दी कर लेते हैं। उसके बच्चे को देखा, तुम्हारे उस फ्रेंड को देखा, उसके इतने मार्क्स आए, अब उसको देखा, उसने मैथ्स में 100 में से 100 ले लिए, इससे क्या होगा, आपके बच्चे पे नेगेटिव असर पड़ेगा, हीन भावना उसके अंदर पैदा होगी। कभी भी उसके साथ कंपैरिजन ना करें, बल्कि वो चीज़ देखें जो बच्चा, उस बच्चे से आपका बच्चा ज़्यादा अच्छा करता है, यानी जो आपका बच्चा हो सकता है मैथ्स में अच्छा नहीं है लेकिन आपका बच्चा फिजिक्स में अच्छा है, हो सकता है स्टडी में आपका बच्चा अच्छा नहीं है लेकिन बाकी प्रैक्टिकल चीज़ों में बहुत अच्छा है, घर के कामों में कुछ ऐसे काम है जो वो बच्चा बिल्कुल नहीं करता लेकिन ये बिल्कुल अपने माँ बाप की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, अपने भाई बहन की हेल्प करता है। तो उसकी पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दीजिए, उसका कंपैरिजन मत कीजिए, आज नहीं तो कल वो अपने क्षेत्र में धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, वो डिपेंड करता है आपके संस्कार पे और आपके साथ उस, आपका और उसके बीच के व्यवहार पे। सिर्फ बच्चे को कभी भी
उसकी सफलता पे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना है। अगर बच्चा फेल हो जाता है तो भी उसको उसके फेलर पे मोटिवेट करना है, उसको बताना है फेलर इज अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ लाइफ। एक्चुअली हम करते क्या हैं कि बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लाता तो हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और वो अच्छे मार्क्स नहीं लाता है तो उसकी पिटाई तक कर बैठते हैं। वो बहुत गलत है। आप उसको वहाँ पर मोटिवेट कीजिए, उसको लगेगा, वो उसको खुद रियलाइज़ होगा जैसे बच्चा एडोलसेंस में जाएगा, जैसे वो किशोरावस्था में जाएगा तो वो समझ जाएगा कि मुझे करना क्या है, उसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होने लगेगा। लेकिन अगर आपने उसके फेलर पे उसको मोटिवेट और सपोर्ट नहीं किया तो वो ज़रूर ही नेगेटिव सोचेगा, और जो कि न उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है और ऑब्वियसली न पेरेंट्स के फ्यूचर के लिए अच्छा है। तब मैं बात करूंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया था एडगर डेल, एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। एडगर डेल ने कहा था कि जो इंसान सीखता है वो तीन तरीके से सीखता है। इंसान तीन तरीके से सीखता है, एक सिंबलिक एक्सपीरियंस से सीखता है, एक एगोनिक एक्सपीरियंस से सीखता है, और एक डायरेक्ट परपोजफुल एक्सपीरियंस से सीखता है। अभी आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि आखिर ये तीनों चीज़ें हैं क्या। एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्बल और विजुअल सिंबल, जो जनरली हमारी क्लास में आज तक चलता हुआ आया है, टीचर एक तरफ से पढ़ा देते हैं, वो टीचर की गलती नहीं है, वो हमारा एजुकेशन पॉलिसी ऐसी है। वर्बल सिंबल और विजुअल सिंबल्स, उसको बस बता दिया, एक तरफ से पढ़ा दिया कि वहाँ हमारी सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ये हरिद्वार में आके गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में आ जाती है, देवप्रयाग में इसके भागीरथी और अलकनंदा का संगम पे ये बनती है, ये पढ़ा दिया विजुअली, इसे वर्बली बता दिया, लेकिन उसको ऐसे समझाया नहीं प्रैक्टिकली करके तो उसको समझ नहीं आएगा। इसीलिए एडगर डेल ने कोन बनाया है कि जो ये जिस तरीके से कोन बना है, यानी यहाँ जितना ज़्यादा ये जगह है इतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस, इतना ही ज़्यादा टाइम तक याद रखने की क्षमता होगी ये वाला काम करने से, और जितना जितना ऊपर ये उल्टा होता जाएगा उतना उतना याद कम रहेगा। यानी वर्बल सिंबल और विजुअल सिंबल से बच्चा सीखेगा जरूर, लेकिन उसको बहुत कम याद रहेगा, बहुत ही कम, कितना ऐसा। जब लेकिन जो आइकनिक एक्सपीरियंस है उसमें जो ये चीज़ें हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 चीज़ें हैं, रिकॉर्डिंग, रेडियो एंड स्टिल पिक्चर, अगर उसको कोई रेडियो सुनाया जाएगा, कोई रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी तो उसको वर्बल सिंबल से ज़्यादा जल्दी याद होगा। हम देखते हैं कि टीचर के पढ़ाए हुए से ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है बच्चे को गाना, ठीक है। अगर और अच्छा उसको लंबे टाइम तक याद रखना है और जल्दी कोई चीज़ उसको समझानी है तो उसके लिए मोशन पिक्चर्स जैसे डिस्कवरी चैनल्स या नेशनल जियोग्राफिक पे चलते हैं, या जैसे कोई कार्टून्स होते हैं तो कार्टून बच्चे और जल्दी याद कर लेते हैं इन बाकी चीज़ों से। ऐसे जब आगे बढ़ते जाते हैं तो कोई एजुकेशन टेलीविज़न, जैसे कि मैंने अभी बताया डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो एजुकेशनल होते हैं तो वो याद रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक याद रहते हैं, कम से कम इनसे ज़्यादा तो याद रहते ही हैं। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती रहती हैं। जो ये एजुकेशनल एग्जीबिशन में कहीं जाते हैं या कोई स्टडी ट्रिप पे जाते हैं या कोई डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशन से बच्चा सीखता है। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन की हैं, जो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन की, जो बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है। कोई दूसरा कर रहा है, कोई दूसरी चीज़ कहीं पर रखी हुई है, उसको ऑब्जर्व करता है और सीखता है। अगर कहीं स्टडी ट्रिप पर जाता तो वो चीज़ें देखता है, वो अपनी ट्रिप से उसको याद होती है वो चीज़ें। अगर डेमोन्स्ट्रेशन की मैं बात करूं तो कोई टीचर अपने बच्चों को अगर डेमोन्स्ट्रेशन देता है कि भाई हमको लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस बनानी है, तो मैं क्या करूंगा कि एक जार में सल्फ्यूरिक एसिड लूंगा, उसमें जिंक डालूंगा और इससे हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। टीचर ने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, और एक बार टीचर ने सिर्फ मुँह से बोला कि भैया ZN में जब हम H2SO4 डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, वो हो गया ये वाला। अब जब उसने उसको डेमो करके दिखाया तो तब वो हो गया ये वाला। और जब उसने खुद किया, वो खुद कब करेगा अभी मैं आगे बताता हूँ। तो जब एक बार उसने बताया और एक बार उसने करके दिखाया तो उसको ज़्यादा याद कब होगा, जब करके दिखाया, न कि जब बोला। तो आप सोचो कि जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन से बच्चा ज़्यादा सीखता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बच्चे को लर्न ले आता है, जो सबसे लंबे टाइम तक याद रहता है, वो ये तीन चीज़ें हैं। एक होता है ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस, यहाँ पर बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है इन तीनों चीज़ों में, इसीलिए इसको डायरेक्ट परपोजफुल एक्सपीरियंस बोला जाता है। मतलब ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस, उसने कोई ड्रामा किया, उससे उसने जो एक्सपीरियंस लिया वो उसको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। उसने कोई कंट्रीब्यूट एक्सपीरियंस उसने खुद किया, चाहे वो सही दिशा में नहीं था लेकिन वो एक्सपीरियंस उसने खुद लिया, वो पर्पोजफुल नहीं भी था, फ्रूटफुल नहीं भी था, लेकिन उसने खुद किया, वो कभी उसको नहीं भूलेगा, बहुत लंबे समय तक उसको याद रहेगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो होती है डायरेक्ट पर्पोजफुल एक्सपीरियंस, यानी जिसका कुछ रिजल्ट भी निकलता है और वो अपने हाथों से करता भी है,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि भरवाल सिंबल ने टीचर ने सिर्फ उसको बताया कि भाई हम जिंक में हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है। यहाँ पर उस टीचर ने उसको डेमो करके दिखाया कि भैया हमने ZN प्लस H2SO4 को मिलाया, उसने दिखाया उसको लैब में जाके कि ऐसे बनती है, तो उसको हमेशा याद रहेगी। लेकिन जब उसने खुद एक जार लिया, उसमें उसने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, उसमें उसने जिंक डाला, उसने देखा हाइड्रोजन गैस बन गई है, अपने हाथ से बात जाके बनाई, तो वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा कि हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हमको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, उसमें हमको मेटल के रूप में जिंक को डालना, वो कभी नहीं भूलेगा। यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डायरेक्ट इन्वॉल्व होना, जो कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में है ही नहीं। हमारी एजुकेशन पॉलिसी में सबसे ज़्यादा ये होते हैं जो टीचर बता के चले जाते हैं और समझा के चले जाते हैं, उसके बाद आगे कुछ नहीं होता। इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल यहाँ तक इतने लेवल का सीखे, जाने, इस लेवल तक उसको याद रहे, तो आपको उसको इन्वॉल्व करना है चीज़ों में, आपको उसको डायरेक्ट नॉलेज देने की कोशिश करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रैक्टिकली नॉलेज उसको देना निहायत ही ज़रूरी है। क्लास में टीचर ने उसको अगर कोई चीज़, उसकी आप डायरी, उसकी बुक्स आप देखते हैं, उसको क्या बताया है, क्या पढ़ाया है, उसको कोशिश करिए कि उसको घर में प्रैक्टिकली समझाइए, हो सके अगर वो आसान काम है तो बच्चे को अपने हाथ से करने दीजिए, वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा। तो ये कुछ बातें थी जो कि हर एक पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से उनके बच्चे की लर्निंग पावर स्ट्रांग हो सकती है, कैसे चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद रख सकता है। अगर आपका बच्चा आपको देख के एकदम से मोबाइल छिपाने लग जाता है, लैपटॉप छिपाने लग जाता है अगर वो पहले से देख रहा है, तो आपके और आपके बच्चे के बीच का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, तो ये रिलेशन आगे खतरे की घंटी बन सकता है। इसलिए आपके बच्चे के साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखिए, मर्यादा में रहते हुए। जो लिमिटेशंस हैं वो तो रहेंगी, लेकिन आपका फ्रेंडशिप नेचर भी उसके साथ बहुत ज़रूरी है। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई, ये मैंने काफ़ी सारे शिक्षाविद जो हैं उनके नोट्स पढ़े, उसमें से मैंने इकट्ठे किए, और जो मुझे लगा ये खुद मैं अपने दोस्तों के साथ अपने घर में कोशिश करता हूँ कि मैं ये कर सकूँ, और मैं करता हूँ, और मैं सब लोगों को, पेरेंट्स को सलाह देता हूँ कि ज़रूर आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, आप बहुत जल्दी आने वाले समय में इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।